देश की जनता का चुनाव में आदेश क्या है वो तो एग्जिट पोल्स में साफ साफ दिख रहा है, और साथ ही दिख रहा है कांग्रेस और इंडिया अलायंस का निरंतर रोना। अब इनको दिख रहा है चुनाव तो हार गए, तो इन लोगों ने इलेक्शन में कमियां निकालनी शुरू कर दी है। हिपोक्रेसी ये भी है कि सारा दिन इलेक्शन कमीशन को गाली देने के बाद ये लोग ये भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी के खास ऑफिसर नवीन चावला को 2005 में कांग्रेस ने ही इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। 2009 में सोनिया गांधी द्वारा नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। नवीन चावला को जयपुर में जेडीए द्वारा 6 एकड़ का प्लॉट कम दाम पर दिया जाता है। नवीन चावला को 2016 में कांग्रेस के 3 MPs द्वारा जमीन दी जाती है, और इन सब चार्जेस के बाद भी नवीन चावला को बीजेपी के डी रिकॉग्नाइजेशन वाले मैटर के पैनल का सदस्य बना दिया जाता है, और मीटिंग में बार बार लू ब्रेक के बहाने कांग्रेस को टाइम टू टाइम हर एक खबर पहुंचाई जाती है। कांग्रेस के इतने खास व्यक्ति को 2009 के जनरल इलेक्शन को कंडक्ट कराने का मौका मिलता है, असल मायने में ये होती है डेमोक्रेसी की हत्या। तो चाहे वो सीईसी नवीन चावला हो या फिर एमएस गिल, ये सभी कांग्रेस के पपेट थे। 1991 में जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, तब नियम ये कहते हैं कि बस अमेठी जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ने वाले थे वहां इलेक्शन डिले होंगे, लेकिन टीएन सेशन जो उस समय मुख्य चुनाव आयोग थे उन्होंने पूरे देश के इलेक्शन 25 दिन डिले कर दिए, और कांग्रेस राजीव गांधी जी की अस्थियों को पूरे देश में लेकर घूमती रही, जिस कारण हारती हुई कांग्रेस सिंपथी वोट के कारण जीत गई। कांग्रेस का इलेक्शन में धांधली करना जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चल रहा है, और आज जब पूरा विश्व भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहा है, तब ये लोग आ गए भारत के चुनाव की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने, भारत के चुनावों को डिसक्रेडिट करने। कांग्रेस और इंडिया अलायंस, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।